फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वाटरमेलन यानी के तरबूज गर्मियों में मिलने वाला एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है। यह बॉडी में पानी की कमी को दूर करता है। ज्यादातर लोग तरबूज खाते समय इसके बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं तरबूज के बीज आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन, फाइबर और काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। तरबूज के बीज ब्लड में मौजूद शुगर के लेवल को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल माने गए हैं। वाटरमेलन सीड्स में प्रोटीन, फाइबर और काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। वाटरमेलन सीड्स में पाया जाने वाला जिंक, मैग्नीशियम इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तरबूज पॉलीफिनोल्स में भी हाई है। तरबूज के बीज वेट लूज में भी हेल्प करते हैं। तरबूज के बीज में बहुत कम कैलोरी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें गुड फैट, विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं। तरबूज के बीज स्किन और हेयर के लिए भी काफी बेनिफिशियल होते हैं। ये स्किन पर ग्लो लाते हैं, क्योंकि इन सीड्स में गुड फैट पाया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आप इसे कैसे खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो तरबूज के बीजों को तरबूज के गुद्दे के साथ ही खा सकते हैं, लेकिन यदि आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए तो आप इन सीड्स को रोस्ट करके खा सकते हैं। रोस्ट करते समय गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, ताकि इन सीड्स के अंदर जो फैट है वो खराब ना हो। अब इनको रोस्ट करके ठंडा कर ले और किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख ले। अब आप इन्हें जब चाहे एज ए स्नैक खा सकते हैं। ज्यादा मात्रा में इसको न खाए। एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड करने के लिए आप इसमें ब्लैक सोल्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सीड्स को अंकुरित करके भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इन सीड्स को अपनी स्मूदी में भी ऐड करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।